सो गाइस अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि सुबह मुझे भेजना है इनको स्कूल, तो अभी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी गाड़ी आएगी। और मैंने गाड़ी वाले भैया से कॉल पे बात की थी, उन्होंने बोला था कि मैं 6:30 बजे तक आ जाऊँगा, मतलब सॉरी 6:30 7 बजे तक आ जाऊँगा, तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा 6 या 6:30 बजे। सो मैं लगा लूँगी अलार्म। तो अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, आटा गूंद के मैं फ्रिज में रख लूँगी और सुबह देखूँगी इनके लिए भिंडी अगर ये खाएंगे वो बना दूँगी, नहीं तो मूली वाला पराठा बना के दे दूँगी इनको, जो इनको अच्छा लगेगा पूछ लूँगी इनको, क्योंकि सुबह मुझे भेजना है इनको स्कूल। बहुत परेशानी बनी हुई है अब क्योंकि अब भेजना तो पड़ेगा, अब खुल गया है स्कूल तो अब मुझे तैयारी करनी है इनको स्कूल भेजने की। मैंने आपको बोला था कि मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ और मैंने सब्ज़ी में लाई भिंडी और मैंने लाई मूली, क्योंकि मूली वाला परांठा भी पसंद करते हैं। अब मैं देखूँगी इनके लिए क्या बनाऊँगी सुबह, इन्हीं से पूछ लूँगी गाइस। तो अभी मैं गूंथती हूँ आटा। ओके तो गाइस आटा मैंने गूंथ के रख दिया, आटा मैंने गूंथ के रख दिया। अब मैं इनकी बोतल धो देती हूँ, सुबह जो लेके जानी है इन्होंने तो मार्केट से लाई होती है तो थोड़ी बहुत गंदी होगी, तो उसको मैं धो लेती हूँ, टिफ़न और बोतल दोनों धो लेती हूँ, उसको मैं लेके चलती हूँ अंदर किचन में। वैसे तो धोई होती है बट थोड़ी सी धो के उसके बाद गर्म पानी से निकाल लूँगी। यहाँ रखती हूँ मोबाइल, ये रही सोना की बोतल और ये रही यूवी की, ये आ गई की दो बोतल, एक ये सोना का टिफिन बॉक्स, ये सोना का टिफिन बॉक्स और ये यूवी का टिफिन बॉक्स, दोनों की सेम है, बोतल भी सेम ही है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लाया था मैंने अचार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान लेट हो जाता है, तो अगर हमने सिंपल परांठा बनाया होगा उसके अचार के साथ उसको मैं दे दूंगी इन दोनों को। अच्छा ये लाया था मैंने पोना, अभी इसकी जरूरत है, तो गाइस दो लेती हूँ इसको मैं, अब भी पानी फ्रिज में लगा दूंगी ताकि ठंडा ठंडा पानी होगा तो सुबह ही ले जाएंगे। गर्म पानी से जो इनके टिफिन है वो भी मैं थोड़े से धो के रख देती हूँ। अच्छा रहता है धो के रख दूंगी, थोड़ा सा लोगों के हाथ लगे। शायद से इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि अगर इन्होंने परांठा लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टिफिन में ही पैक करके दे दूंगी इनको।
मैं करूंगी गर्म पानी। सो गाइस थोड़ा सा गर्म पानी करूंगी और फिर बोतल को अच्छे तरह से धो दूंगी। उसके बाद मैं पानी डाल के रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये सुबह ले जाए, क्योंकि जो सुबह का काम है वो भी मैंने ही करना है। सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम अभी हो जाए तो बेस्ट है। सुबह बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी है, 7:30 बजे तक मुझे इनको गाड़ी के पास छोड़ने जाना है। मैं तो नहीं जाऊँगी, हस्बैंड ही जाएंगे क्योंकि उनकी उन्होंने 9 बजे ड्यूटी जाना होता है। सो वो छोड़ के ही जाएंगे, तो आते समय मैं देखूंगी इनको, अगर धूप ज़्यादा नहीं हुई तो फिर इनको लेने चले जाऊंगी, अदरवाइज से दोनों अकेले आ जाएंगे। क्योंकि मेरा खुद मन नहीं करता इंसान घर पे काम करके, खुद इतना ज़्यादा थोड़ा सा सोचता है कि भी आराम करे। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं देखूंगी इनको लेने जाऊंगी, क्योंकि कहाँ आएंगे धूप में अकेले। सो अभी मैं बोतल को दूंगी, उसके बाद मैं आपसे करती हूँ बात। सो गाइस मैंने बोतल धो के रख दी अब दोनों की, तो अभी मुझे इनके यूनिफॉर्म निकालनी है। देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे मैंने कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है। ये इनके स्कूल बैग मैंने रेडी करके रखे हैं, शूज रखे हुए हैं इनके, और यूनिफॉर्म में तब निकालूंगी जब सोना दुकान से होके आएगा, क्योंकि मैंने सोना को भेजा था रोल जो होता है ना जिसपे चपाती को पैक करते हैं, वो लेने भेजा मैंने सोना और यूवी को। तो वो जब लेके आएंगे तब मैं निकालूंगी यूनिफॉर्म। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, परेशानी ज़्यादा नहीं है बट यही है कि बस अब उठूंगी इनको सुबह रेडी करूंगी, फिर पूरा जो वीडियो होगी आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। सो गाइस आज की मेरी वीडियो इतनी ही है, मैंने आप लोगों को बता दिया मैंने किस तरह से इनकी पूरी पैकिंग कर दी है सुबह स्कूल जाने के लिए। सो आज मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने हेड वॉश किया तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बट मेरा शैम्पू ख़त्म था तो मैंने शैम्पू लाया अभी शाम को जाके, फिर उसके बाद मैंने किया हेड वॉश। तो बाकी ये है कि धूप बड़ी ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों को, क्या करना। स्कूल भेजे बिना गुजारा भी नहीं है, तो स्कूल कैसे जाएंगे वो भी टेंशन बनी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जितना हो बच्चों को पानी पीना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हर पेरेंट्स को मैं बोलूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बोलें कि अपने हैंड वॉश करें खाना खाने से पहले, और मास्क का प्रयोग करें, मास्क उतारे बिना नहीं बैठें। सेफ्टी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, सेफ्टी जितनी करेंगे हमारा फ़र्ज है बच्चों को बोलना। जो हस्बैंड लोग होते हैं इनको पता होता है कि क्या काम है, बस इनके मुंह में एक ही शब्द होता है, क्या काम है क्या काम है, कोई स्कूल भेजना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक लेडीज़ को पता होता है कि कितनी बड़ी बात है। बात पता क्या होती है, जब मैं सोना को स्कूल भेजती थी तब मुझे 10 बंदों की सपोर्ट होती थी, सिस्टर की मम्मा की, तो गाड़ी बाहर वेट कर रही होती थी, बट गाड़ी वाले भैया थे वो भी बड़े अच्छे थे, कंप्रोमाइज़ करते थे, उनको पता होता था कि चलो लड़की भेज रही है बच्चे को स्कूल, तो वो भी थोड़ा सा वेट कर लेते थे, 5 मिनट वेट कर लेते थे। बट अभी सोना की मैंने न्यू एडमिशन करवाई है, वो न्यू स्कूल में जाएगा, तो वो उनकी बड़ी गाड़ी है, वो भैया से बात की थी मैंने, वो बोलते कि हम वेट नहीं करेंगे, आपको 5 मिनट पहले आना पड़ेगा। बस उसी चीज़ को लेके थोड़ी सी टेंशन हो गई है कि मतलब टाइम से उठेंगे, मुझे भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भेजने के बाद जो भी काम होगा वो 1 घंटे में पूरा ख़त्म करने के बाद फ्री होके बैठूंगी। बट मुझे इनकी टेंशन बड़ी होती है कि जितनी जल्दी रात को सोएंगे, आपको पता है बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं क्योंकि अभी तो गर्मी का सीज़न है, अगर ठंड हो तो बच्चों को पता है अंधेरा हो गया बाहर, ठंड है तो वो रजाई लेके सो ही जाएंगे, बट गर्मी में बच्चे नहीं सोते क्योंकि लाइट बंद हो रही है, मच्छर होता है,
ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, एसी ऑन करेंगे तो उनको नींद आएगी, तो एसी भी नहीं चलता क्योंकि अभी एक दो बार लाइट बंद होगी या फिर बीच में एसी ब्लिंक करेगा, तो उसकी वजह से जितने जल्दी ये सोएंगे उतने जल्दी सुबह उठेंगे, तो इनको मैं स्कूल भेज पाऊँगी। सो पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना पड़ता है और बच्चों को भी थोड़ा सा माँ बाप के साथ थोड़ा करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है हस्बैंड लोगों को देखना पड़ता है कि जो एक लेडीज़ है वो किस तरह से बच्चों को स्कूल भेज रही है, और सुबह अगर वो उठ रही है तो हर बंदे को मैं यही बोलूँगी, जितने भी लेडीज़ के हस्बैंड हैं मैं उन हर बंदों को बोलूँगी कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी वाइफ अपने बच्चे को रेडी कर रही है या वो ब्रेकफास्ट बना रही है तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, आप थोड़ी सपोर्ट कर दो उनको, बच्चों को किसी चीज़ में पैकिंग करने में उनकी हेल्प कर दो, क्योंकि एक लेडीज़ के कितने हाथ पाँव हैं यार, वो किचन में सुबह ब्रेकफास्ट रेडी करेगी, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स रेडी करेगी या फिर बच्चों को देखेगी, तो उनको रेडी करने में थोड़ा सा सपोर्ट हस्बैंड को भी करनी चाहिए। तो बाकी ये है कि दोनों सपोर्ट करेंगे तो ही बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, पढ़ाना बच्चों के उनकी पूरी उनका पूरा टेस्ट पेपर शेपर जो भी है लेडीज़ देख लेती है, बट हस्बैंड लोगों को ये होना चाहिए कि हम भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि चलो अब जब सुबह होगी तो आप लोगों के साथ बनाऊंगी मैं न्यू वीडियो, और पूरा वीडियो मैं दिखाऊंगी किस तरह से बना रही है, शोना को किस तरह से, योगी को किस तरह से रेडी किया, सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट डे है उनका, फर्स्ट डे तो आज ही था बट आज मैं उनको नहीं भेज पाई क्योंकि आज जो गाड़ी वाले भैया थे वो बोल रहे थे कि मैं कल से लेने आऊँगा, अगर आपने आज भेजना है तो आप खुद छोड़ने जाओ, बट हस्बैंड को कहीं काम था, उन्होंने कहीं काम जाना था बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं आज नहीं भेज पाई, बट कल से मैं इनको कंटिन्यू भेजूँगी क्योंकि स्टडी पहला मेन मोटिव है, ठीक है, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी अब क्लासेस भी बढ़ी है, पढ़ाई को भी देखना पड़ेगा। तो अब मैं कल बनाऊंगी न्यू वीडियो, और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।